हेलो फ्रेंड्स, प्रियाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जोधपुरी मिर्ची वड़े की रेसिपी। इसके लिए ये मैंने बड़ी वाली मिर्ची ली है। इस टाइम ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इनको अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ करके इस तरह से बीज से स्लिट कर देंगे। अगर इसमें बीज ज़्यादा है तो आप वो बीज निकाल दीजिए, और अगर बीज ज़्यादा नहीं है तो उनको बना रहने दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि हमारी जो ये मिर्च की स्किन है वो पतली होनी चाहिए, ठीक है। और ये आलू इसमें स्टफिंग के लिए। अब हम इसके बाद इसका मसाला बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम 1 चम्मच मसाले वाली सौंफ डालेंगे और 1.5 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। इस मात्रा को याद रखेंगे, यही हमारे मिर्ची बड़े के का मेन मसाला होता है। तो इसको हम इस तरह से जब तक से इससे अच्छी सी महक नहीं आने लगेगी तब तक इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें कोई तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना। इसको इसी तरह से हम हिला हिला के जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हमें बारीक नहीं पीसना है, इसको हमें दरदरा सा, आप चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पर रखकर बेलन की सहायता से क्रश कर सकते हैं। ध्यान रखें ये बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे मसाले में से अच्छी सी स्मेल आने लगी है। अब इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे, जरा सा इसका कलर और चेंज हो जाए। गैस ऑफ कर देंगे, इसको इसी तरह कढ़ाई में हम हिलाकर भून लेंगे। भूनने के बाद में अब इसे चॉपिंग बोर्ड में या आपके पास इमाम दस्ता हो तो आप इसमें उसमें इसको मोटा मोटा सा क्रश कर सकते हैं। अब ये मैंने 2 आलू लिए, इनको इस तरह से हाथ से फोड़ लिया। अब हमने जो मसाला बनाया था, क्रश किया था, उसको डाल देंगे। मसाला डालने के बाद में हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालेंगे। डालने के बाद में इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब हम मिर्ची कोट करने के लिए बेसन का बैटर बनाएंगे उसमें भी नमक पड़ेगा, तो नमक ये ध्यान करते हुए डालें। नमक डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। अगर आप ये लेकर के कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं या आपको ये 1-2 दिन रखना है तो आप ध्यान रखें कि इसमें कभी भी प्याज नहीं डालें। प्याज डालने से मिर्ची वड़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मिर्ची वड़े में कभी भी प्याज नहीं डालना चाहिए। इसका जो स्टफिंग है इस तरह से सिंपल ही बनाएंगे, तभी आपका वड़ा टेस्टी और अच्छा बनेगा। अभी फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम ऊपर बेसन का कोट बनाएंगे। अब ये मैंने बेसन लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और नमक। नमक ध्यान करके डालेंगे क्योंकि हमने अपनी स्टफिंग में भी नमक डाल रखा है। नमक डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें कोई लम्स ना रहने पाए। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। उधर हम कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। आप सरसों के तेल में या रिफाइंड में जिसमें भी बड़े फ्राई करना चाहें वो गरम होने के लिए चढ़ा दें। अब इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बड़े अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। डालकर इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें हमने 1 पिंच सोडा डाला। अगर आपके पास सोडा वाटर अवेलेबल है तो आप
एक ढक्कन इसमें सोडा वाटर भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे वड़े अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए, ये इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। इससे पतला होगा तो ये मिर्च पर कोट नहीं होगा। अब हम अपने बड़े स्टफिंग कर बड़ों को स्टफिंग में कर देंगे। अब हम इस तरह से अपनी मिर्ची लेंगे, इसको खोल करके इसमें ये स्टफिंग इस तरह से भर देंगे। ध्यान रखें स्टफिंग भरने में कोई कंजूसी ना करें, जिससे क्योंकि ये मिर्ची जब तेल में जाएगी तो ये आपस में सिकुड़ सी जाती है, तो अगर स्टफिंग अच्छे से भरी नहीं होगी तो फिर मिर्ची हमारी खाली खाली सी लगेगी। स्टफिंग अच्छे से भर देंगे। इसी तरह से ये मैं अपनी मिर्चियाँ भरकर तैयार कर लेती हूँ। हमारी मिर्चियाँ भरकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको बेसन के घोल में कोट करेंगे और इनको फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब इसको हम इस तरह से बेसन के अपने बैटर में कोट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मिर्ची में चारों साइड अच्छे से बेसन कोट हो जाए। इस तरह से इसको कोट कर देंगे, एक्स्ट्रा बेसन गिर जाने देंगे और इसके बाद इसको हम गरम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी मिर्ची कोट करके बेसन में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब देखिए हमारे मिर्ची बड़े अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। आइए अब हम इसे प्लेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जोधपुर का फेमस मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है। इसको मैंने हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इसको टमाटो केचप या इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।